channel. I'm Rashmi Singh, a kidney failure patient, a positive thinker. So, aap sabka mere vlog mein swagat hai. Well, today I'm going to talk about the earliest symptoms of the kidney failure. It means, aise symptoms jo aapko bahut starting se aate hain, but hum unhe general mein lete hain, hum unke upar bilkul bhi dhyan nahi dete hain. कुछ सिम्टम्स मुझे भी आए थे अर्लीस्ट मीन्स लाइक बिफोर 10 ईयर्स इट केम बिकॉज मेरा CKD है क्रॉनिक किडनी डिसीज सो इट मे बी 10 ईयर्स बिफोर कुछ सिम्टम्स मुझे आने लगे थे बट मैंने इसको जनरल में लिया या फिर आप बोले कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया बट दे टुक इन जनरल सो यू कैन सी व्हाट राइट नाउ व्हाट आई एम सफरिंग फ्रॉम आई एम गोना शेयर विथ यू द 10 सिम्टम्स सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो होता है बैक पेन यस बैक पेन बैक पेन हम कॉमनली में लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग कहते हैं कि आफ्टर कंसीविंग बेबी औरतों को तो बैक पेन ऐसे ही होता रहता है बट नो अगर आपको उठने बैठने वॉक करने में भी आपको बैक पेन्स हो रहे हैं तो ये सीरियस लेना पड़ेगा द सेकेंड पॉइंट्स कम हियर्स ऑलवेज ऑफ स्वेलिंग जी जब मैं सो के उठती थी तो यू नो मेरे चेहरे पे थोड़ी सी पफनेस हो जाती थी आईज में पफनेस हो जाती थी तो मुझे लगता था कि शायद ये सोने की वजह से हुआ है बट नो दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ स्वेलिंग तो अगर आपको कहीं भी स्वेलिंग हो रही है फीट में लेग में हैंड्स में एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी प्लीज टेक इट सीरियसली द थर्ड पॉइंट कम हियर इज यूरिन इन्फेक्शन येस दिस इज द मोस्ट सिम्टम्स जो यूरिन इन्फेक्शन है क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन ही किडनी से रिलेटेड होता है यूरिन जो होता है किडनी यूरिन हमारे पास आउट होता है क्योंकि किडनी जो होता है वेस्ट निकालता है यूरिन के थ्रू तो जब हमारे किडनी में प्रॉब्लम आने लगती है तो सबसे पहला वो होता है कि यूरिन पे असर होता है हमारे सो यूरिन इन्फेक्शन मुझे बहुत ही और जाती थी एटलीस्ट एट द मिडनाइट में और जाती थी कि मैं वॉशरूम यूज़ करूँ बट मैं जब जाती थी तो इट्स लाइक 1 drop and 2 drop इज कमिंग आउट सो दिस इज़ द प्रॉब्लम यूरिन इन्फेक्शन होता है तो अब आपको और जाता है कि आप यूरिन पास करें बट यूरिन आती नहीं है सो प्लीज़ गाइस टेक इट सीरियसली क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन जो होता है मेजर कॉज हो सकता है आपकी किडनी प्रॉब्लम के लिए Now the fourth point comes here is about tiredness. या आपको कोई भी काम कर रहे हो आप छोटा भी काम कर रहे हो या आप बड़ा काम कोई कर रहे हो लेकिन आपको हर वक्त जो होता है वो टायर्डनेस से फील होती है तो टायर्डनेस फील होने का मतलब आपके शरीर में है जो ब्लड नहीं बन रहा आयरन की कमी हो रही है इसलिए आपको टायर्डनेस फील हो रही है सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली टायर्डनेस द फिफ्थ पॉइंट कम्स हेयर इज ऑब्वियसली ऑफ क्रैम्प्स मतलब आपके हाथों में ऐठन आपके शरीर में ऐठन आप बैठ रहे हो उठ रहे हो चल रहे हो उस टाइम भी आपके पूरे शरीर में ऐठन होने लगती है लाइक आप कोई भी फोर्स की चीज़ आप करते हो फोर्सफुली तो आपका जो हाथ होता है मुड़ने लगता है आपके पैर मुड़ने लगते हैं तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं यूजुअली तो जनरल होते हैं लेकिन जनरल कब होते हैं जब अगर महीने में एक बार आए या महीने में दो बार आए तो ये जनरल होता है बट अगर हर दिन आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं तो ये इसका मतलब ज़रूर है कि आपको कोई बड़ी सी बीमारी हो सकती है नाउ हियर कम्स द सिक्स पॉइंट चिल विद फीवर फीवर हमें नॉर्मली होता है वैसे कहने के लिए लोग कहते हैं कि वायरल है आपको ठंड लग के फीवर हो रही है तो ये वायरल है बट हमेशा ठंड लग के फीवर होना वायरल नहीं होता है इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान दें क्योंकि मुझे भी यूजुअली जब मेरे पीरियड्स आते थे उस टाइम मुझे चिल विद फीवर होता था बहुत ठंड लगती थी और फिर मुझे फीवर होता था मैं वायरल की मेडिसिन भी लेती थी डॉक्टर बोलते थे कि मुझे वायरल है ना एवरी टाइम आई टेक द मेडिसिन फॉर द वायरल बट नो इट वॉज नॉट द वायरल इट वॉज द सिग्नल फॉर माई किडनी फेलियर नाउ द कम्स द सेवन पॉइंट इज ड्राई एंड इचिंग स्कैल्प योर स्किन हमें लगता है कि ठंड आ गई तो हमारा स्किन ड्राई हो गया एंड यू नो इस इचिनेस आती है तो हम उसे मॉइस्चराइज करने लगते हैं ठीक है अगर मॉइस्चराइज करने के बाद आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है तभी नॉर्मल है लेकिन मॉइस्चराइज करने के बाद भी अगर आपकी स्किन नॉर्मल नहीं होती है तो ये सिग्नल होता है आपकी किडनी फेलियर का सो टेक दिस पॉइंट एंड द एट पॉइंट कम्स हियर इज ऑफ टेस्टलेस फूड मतलब आपको कुछ महीने पहले से ही जो होता है खाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा कुछ भी बना लो घर में अच्छे अच्छे डिशेज भी बन जाए तब भी आपका खाना नो की मात्रा में होता था मेरा भी इज़ द सेम होता था कि मुझे खाने पे इंटरेस्ट ही नहीं जाता था कुछ भी मुझे बस मैं फ्रूट्स खा लेती थी बट खाना तो बिल्कुल ही नहीं मुझे इवन उनकी स्मेल भी पसंद नहीं आती थी तो प्लीज़ इस चीज़ पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपका खाना छूट सकता है So don't take it as a light.
please इसको serious लीजिए. The ninth point come here is problems in menstruation cycle. आपका menstruation अगर flow में जा रहा है then it's good, but अगर आपके menstruation में problem है like एक महीने gap हो गया या 10 days gap हो गया, 2 days gap हो गए और ये cycle होता ही चला जा रहा है तो please do consult your gyna और you can consult a nephro क्योंकि ये kidney के symptom हैं. The 10 points comes here is up and down of blood pressure or the sugar level. अगर आप blood pressure के मरीज हैं तो अगर आपके blood pressure में up and down हो रहे हैं तो otherwise you start taking the medicine of the blood and pressure or the sugar. Otherwise do consult your doctor. So guys, अगर इन symptoms में से ये 10 symptoms में से आपको 7 symptoms भी आ रहे हैं तो please take it seriously and do consult your doctor as soon as possible. So, आपकी लाइफ प्रीशियस है और अपने लाइफ को अच्छा रखिए, एंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवनेस स्प्रेड करिए. सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स. डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.